गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ लिया था, उस कल से हम जो आगे के टॉपिक हैं वो कवर अप करेंगे। मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आप बीच में टच से हट गए थे अकाउंटेंसी के टच से, तो वो भी सब एक तरीके से रिवाइज हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक। बेसिक में आपने ये पढ़ी थी कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अकाउंट्स में पढ़ी थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, किस टाइप के अकाउंटिंग होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, और मेथड कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने ये देखा था कि एक इक्वेशन हमको दे रखी जाती थी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन को हम लोग फॉलो करते हुए आगे तक चलते थे। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में हम लोग ये देखते थे कि जितनी भी एसेट हैं और लाइबिलिटी, वो इक्वल होती हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता था। यहाँ पे हमारे एक डेट का कॉलम आता था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स आते थे या ट्रांजैक्शन बोल देते हैं उसको, ठीक है, पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन आप उनको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते थे एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती थी वो यहाँ, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का एक छोटा सा कॉलम हम बनाते थे। ठीक है, तो जैसे भी कोई एसेट हमारे पास आती थी, हम यहाँ पे उसकी डेट लिखते थे। जैसे 1 नवंबर है या 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस। 2 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, पहला है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और दूसरा है हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो आपको दोनों को देखना होता है कि कोई भी जो कंपनी है वो कौन सा फॉलो कर रही है। अगर वो लिखेंगे कि ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि वो 1 अप्रैल वाला फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो वहाँ पे लिखेंगे ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यानी कि वो लोग कौन सा 1 जनवरी वाला फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को अगर मान लेते हैं कि उन लोगों ने कोई कैपिटल लगाई, तो मान लेते हैं अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम लोग क्या लिखते थे, कैश उसने लगाई है। तो कैश में हम यहाँ लिखेंगे कि स्टार्टेड अमित, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है ना। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या क्या लगाया, एसेट में क्या आया होगा, एसेट में उसके यहाँ पे कैश आया है, कैश, तो हम कैश में यहाँ पे जोड़ देते थे। मतलब मान लेते हैं 5 लाख रुपए की एसेट लगाई, 5 लाख रुपए यहाँ कैश में हमने जोड़ दिए, और यहाँ 5 लाख रुपए हम कैपिटल में भी जोड़ देंगे, ठीक है, तो कैश में आ गया। ऐसे ही और भी जितने भी ट्रांजेक्शन या जितने भी पर्टिकुलर समय मिलते थे, हम उनको ऐड करते हुए चलते थे, और हर 2 के बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी हाफ ईयरली का पेपर आपका हुआ था, उसमें कई बच्चों ने, कई क्या बहुत ही बच्चों ने इनको ऐड ही नहीं करा, ये वाला जो स्टेप है ये किसी ने फॉलो ही नहीं कर रखा है। तो हर 2 एंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अभी स्टॉक परचेज किया हमने, तो यहाँ पे मतलब 3 अप्रैल को स्टॉक परचेज, यहाँ पे हमने परचेज किया, कितने का किया, 10,000 का किया, तो 10,000 हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 10,000 से। ये 2 एंट्री होने के बाद हम इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये हो जाएगा 4,90,000, और ये हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे 5 लाख। लाइबिलिटी अभी कुछ है नहीं, तो लाइबिलिटी में हमने कुछ लिखा भी नहीं है। तो आप देखो 4,90,000 और 10,000, 5 लाख हो गया, और इधर भी 5 लाख हो गया, यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल सही जा रहा है। अगर इसमें ये बैलेंस नहीं होंगे, 5 लाख इधर और 5 लाख इधर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद हमने देखे थे जनरल एंट्रीज, ठीक है, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में मैंने आप लोगों को बताए थे कुछ मॉडर्न अप्रोच हैं, ठीक है ना, और हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जनरल एंट्रीज में हम 2 अप्रोच को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल
और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप लोगों को रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारे अकाउंट बताए जाते हैं। फिर इसमें बताया जाता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ये सारी चीज़ें इसमें थी। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पांच चीज़ों को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस, ठीक है ना, एक्सपेंस जो है वो हमने यहाँ पे रेवेन्यू ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने एक्सपेंस भी ऐड कर दिया। तो ये हमारी एक जनरल एंट्री के लिए मॉडर्न उसमें एक ये इक्वेशन बन गई, जिसमें एसेट प्लस एक्सपेंस इधर आ गए, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू इधर आ गए। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो हम उनको करेंगे डेबिट, और एसेट और एक्सपेंस जब भी घटेंगे तो उनको हम करेंगे क्रेडिट। वहीं लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो ये तीनों हो जाते हैं ठीक इसके उल्टे अपोजिट में, यानी कि क्रेडिट, और अगर ये तीनों घटेंगे तो हम इनको कर देते हैं डेबिट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देखा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपए से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वो दो चीज़ें हैं क्या। देखो, एक तो कैश आया, ये हमारी एसेट होता है, और दूसरा बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, तो कैपिटल हो गई यहाँ। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो एसेट हमारी बढ़ रही है, तो उसको करेंगे डेबिट। तो क्या बढ़ रही है एसेट, कैश, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखो जो कैपिटल है वो क्या है, वो भी बढ़ रही है क्योंकि बिजनेस के पास तो कैपिटल भी आ गई, तो कैपिटल भी बढ़ रही है। तो जब कैपिटल बढ़ रही है तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये 5 लाख रुपए यहाँ, 5 लाख रुपए यहाँ, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ अच्छा सा, जैसे जिसमें है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपये। हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपये का, तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर क्या होता है, हमारी एसेट होता है, और यहाँ पे कैश भी है, तो कैश क्या है भी, ये भी हमारी एसेट होता है, तो दोनों ही हमारी एसेट है, ठीक है। अब एक फर्नीचर, एक एसेट हमारे पास, हमने जब खरीदा तो ये एसेट हमारे पास आ रही है, क्लियर है, ये एसेट हमारे पास आ रही है। तो जब आती है, बढ़ रही है हमारे पास एक एसेट, आपने एक सोफ़ा ले लिया तो सोफ़ा आपके घर में ऐड हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, सोफ़ा, एक सोफ़ा फर्नीचर आपके घर में बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब देखो हमारे पास से एक एसेट जा रही है, वो क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, क्योंकि हमने 10,000 रुपये में खरीदा, तो 10,000 रुपये हमारे पास से गए, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, कैश, और कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है, क्योंकि वो हमारा ही है। तो हमने यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी कि कैश हमारे पास से कम हो गया, यानी कि एसेट हमारी कम हो गई। जब भी एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, ये उसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमने उसमें करी थी, ठीक है ना। इसके बाद हमने किए थे लेजर्स। लेजर्स क्या होते हैं, खाते। खाते क्या होते हैं कि हर एक पर्टिकुलर उसके हम लोग खाते बना लेते हैं, जितनी भी जर्नल एंट्री हुई रहती हैं उन सब की। तो लेजर में कैसे हम बनाते हैं, देखिए जितनी भी जर्नल एंट्री हम करते हैं तो जितनी भी जर्नल एंट्री हैं उन सब में हम देखते हैं कि किन किन की जर्नल एंट्री हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये जर्नल एंट्री एक ये बनाई है और एक ये बनाई है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कैश का खाता बनाना है हमने, तो हम देखेंगे कैश कहाँ कहाँ आया है, तो कैश यहाँ, इसमें भी कैश है, इसमें भी कैश है, तो हम देखेंगे कि इनमें लेजर कितने बन सकते हैं। तो पहला एक कैश का लेजर ये बन जाएगा, दूसरा कैपिटल का बन जाएगा, तीसरा फर्नीचर का बन जाएगा, और ये वाला चौथा है, पर ये बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम लेजर कैसे बनाते हैं, तो लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे लेजर, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट, इस तरीके का एक फॉर्मेट हमारा बनता था। तो ये हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये डेट आ गई यहाँ पे अमाउंट, ये इस तरीके से, ठीक है। और जिस भी लेजर का आप बनाओगे, जिस भी लेजर का आप बनाते हो, जैसे अभी हमने पहले यहाँ पे हमने काउंट किए थे कि कैश का है, तो सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, ठीक है ना। ऐसे ही फिर दूसरा भी बन जाएगा, वो बन जाएगा किसका, ये हमारा कैपिटल का, ठीक है। और फिर ऐसे ही तीसरा बन जाएगा, वो परचेज का, फर्नीचर का, जो भी है, जितने भी आपने यहाँ पे जनरल एंट्री में नंबर लगाए हैं, इन सब के लेजर बनेंगे। और लेजर किस तरह से बनते हैं, इस तरीके से। अब लेजर में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, अब देखो ये कैश है, सबसे पहले हमने कैश का खाता बनाया, तो ये हमने कैश का खाता यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने डेट पर्टिकुलर अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, कॉलम बना दिए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से कर दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। अब हम देखेंगे जनरल एंट्री में कि कैश कहाँ पे आया है। अब ये वाली एंट्री है, देखो कैश कहाँ पे आया है, डेबिट साइड आया है, तो कैश किस साइड आया है, डेबिट साइड। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, अभी ये डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये कैश जो है डेबिट साइड में आया, किसकी वजह से आया है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल की वजह से आया, कैश अकाउंट हुआ है डेबिट में, क्यों, कैपिटल की वजह से। तो कैश हुआ है डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट जो है डेबिट में है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो हम यहाँ पे इनको लिख देंगे टू कैपिटल, कितना अमाउंट है, 5 लाख का था, तो 5 लाख यहाँ पे लिख दिया, बस बात खत्म। अब देखेंगे कैश कोई और जनरल एंट्री में तो नहीं है, तो हमने देखा अच्छा ये दूसरी एंट्री में भी है, तो यहाँ पे देखेंगे कैश कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, यानी कि कैश जा रहा है क्रेडिट में, इस साइड लिखेंगे अब हम। तो इस साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कैश जा रहा है क्रेडिट में, किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बाय फर्नीचर, कितने का लिया था, 10,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब हमने इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस कर दिया, बात खत्म, क्लियर हो गया इतना। तो इस तरीके से और भी एंट्रियाँ होंगी, तो उसमें हमने देखना है कैश किस साइड है। अब यहाँ पे हमने कैपिटल बनाया है, तो कैपिटल के खाते में बस कैपिटल का देखेंगे, कैपिटल किस साइड है, कैपिटल है क्रेडिट साइड, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो कैपिटल है क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश, ठीक है ना, 5 लाख रुपये, बस सिंपल, इतना सा काम है इसमें जो हम लेजर में करते हैं। अब लेजर बनाने के बाद हमने देखा था कि इसको बैलेंस भी करना पड़ता है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होता है वो हम यहाँ पे बैलेंस में नीचे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डेबिट साइड का टोटल कितना है, 5 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट साइड का कितना है, 10,000, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5 लाख, तो यहाँ पे हम 5 लाख लिख देंगे दोनों साइड, यहाँ पे हमने 5 लाख लिख दिया। अब यहाँ पे है 10,000, तो ये ऊपर है 10,000, नीचे लिखा हुआ है 5 लाख, तो ये क्या बराबर है, नहीं है, नहीं है ना, तो कितने की कमी है, 4,90,000 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,90,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। ये 4,90,000 क्या है, ये बैलेंस बचा है जो कि हम कैरी डाउन यानी कि आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट बना दिया, ये इस तरीके से हम लोग ये लेजर बनाते हैं और इनको बैलेंस करते हैं। ऐसे ही हम कैपिटल का भी बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई दोनों साइड हैं, तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में है 5 लाख, तो ये तो 5 लाख आ गया, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 5 लाख। तो यहाँ पे अब कितने की कमी पड़ रही है, पूरे 5 लाख रुपए की, तो हम यहाँ पे पूरे 5 लाख रुपए लिख दिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन, और इस तरीके से हमने ये कैपिटल का अकाउंट भी जो है वो बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं। अब इसमें बस इतना ध्यान देना है, ये वाली साइड में टू वाले आते हैं और ये वाले बाई में आते हैं। अब एक तरीके से मैं जनरल एंट्री में एक और चीज़ बता दूं, देखो जो भी जैसे कैश का खाता है, कैश के खाते में जितने भी एंट्रियाँ ये टू वाली हैं तो वो इधर लिख दो। देखो कैश अकाउंट है, ये डेबिट में जा रहा है, तो इसमें टू कैपिटल है ना, तो ये कैश के जो अपोजिट वाला है उसको देखो, पहली एंट्री में कैश है, तो हमने यहाँ देखा कैश, तो इसके नीचे टू कैपिटल है, तो टू इस साइड में आता है, तो इसको यहाँ सीधे टू कैपिटल लिख दो। यहाँ पे फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर में कैश आ रखा है, इस वाली एंट्री में कैश आ रखा है, तो ये वाली एंट्री कैश अकाउंट में तो जाएगी, है ना। तो ये फर्नीचर यहाँ पे बाई साइड है, तो यहाँ पे हमने बाई फर्नीचर लिख दिया। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से समझते
हो, ठीक है। बट सबसे मेन बेसिक जो तरीका है, इजी तरीका है, वो ये है कि कैश अकाउंट, कैश कहाँ जा रहा है, डेबिट में जा रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे। किसकी वजह से आ रहा है, कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल। कैश जा रहा है क्रेडिट में, किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से, तो बाय फर्नीचर। बैलेंस कर देंगे, जिधर दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो भी साइड ज़्यादा आई होगी वो नीचे लिख देंगे, और उसके बाद उनको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किया था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट में दो कॉलम बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से बन जाता है। अब इसमें क्या आता है, ट्रायल बैलेंस में आते हैं सारे लेजर्स के नाम। जैसे कि 1 तारीख को हमने कौन सा लेजर बनाया, हमने बनाया है कैश का लेजर, तो ये हमने यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। दूसरा लेजर बनाया हमने बैंक का, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। तीसरा बनाया कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट। चौथा लेजर बनाया हमने फर्नीचर का, तो फर्नीचर अकाउंट। जितने भी आपने लेजर बनाए, देखो जनरल एंट्री तो बन गई, जनरल एंट्री से बनेगा लेजर, जो कि इस तरीके के बनेंगे, लेजर बना दिए। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएंगे जितने भी लेजर आपने बनाए हैं वो सारे के सारे। तो हमने वो सारे लेजर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जब सारे लेजर हमने लिख दिए, तो अब इनके अब हमने अमाउंट लिखने हैं। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, जो भी बैलेंस होगा उसका हम एक बार ट्रायल कर रहे हैं कि सारे बैलेंस एग्जैक्ट हैं या नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैश। अब ये कैश अकाउंट दिखा है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,90,000, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट का बैलेंस है 4,90,000। तो हम देखेंगे किस साइड है, हमने देखा भैया तो क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ठीक उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं, 4,90,000, ठीक है। तो हम ठीक उसका उल्टा करते हैं, लेजर में यहाँ पे 4,90,000 क्रेडिट में था, तो हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिख देंगे, 4,90,000 डेबिट में लिख देंगे। ऐसे ही अगर बैंक का ये कैपिटल है, तो कैपिटल का खाता किस साइड है, बैलेंस किस साइड है, 5 लाख डेबिट साइड है, तो इसका कैपिटल का बैलेंस हम किस साइड लिख देंगे, 5 लाख इस साइड लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फर्नीचर का डेबिट साइड होता तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख देते, क्रेडिट साइड होता तो हम उसको डेबिट साइड लिख देते। तो जो भी लेजर में बैलेंस आता है, ठीक उसका अपोजिट हम कहाँ, ट्रायल बैलेंस में इनको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ ऊपर आता है ट्रायल बैलेंस, और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये मैच होने चाहिए, ये इधर का टोटल और इधर का टोटल ये मैच करता है। अभी तो ये मैंने रफ बनाया है, पर जब आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें मैच करेंगे। इन केस अगर मैच नहीं करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये हमने पूरा प्रॉपर ही बनाया, लेकिन इधर के साइड का टोटल आ रहा है 4,90,000, इधर का आ रहा है 5 लाख, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे सब कुछ देखेंगे पहले कि सब कुछ सही है। सब कुछ सही होने के बाद भी यही आ रहा है, तो हमने 5 लाख इधर लिखा और 5 लाख इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे आ रही है 10,000 की कमी, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये किस चीज़ के हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई सस्पेंस अकाउंट, कि भाई ये जो 10,000 रुपये हैं अभी हमें पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं, पर ये 10,000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट हमने खोल दिया है, ताकि जब भी हमें बाद में पता चलेगा हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे फर्नीचर का नाम लिखा है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 10,000 का, है ना, स्टेशनरी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने 10,000 रुपये के यहाँ लिख देंगे, पर अभी हमें पता नहीं चल रहा है 10,000 रुपये का कहाँ है क्या है, तो हमने यहाँ पे अभी सस्पेंस अकाउंट उसका ओपन कर दिया। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पे 5 लाख बराबर हो गए, यहाँ पे भी 5 लाख आ गए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गए, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस अभी सही चल रहा है। तो ये अभी हमने हाफ़ेली से पहले पहले ये सारी की सारी चीज़ें करी थी, और हमने वो ट्रेडिंग अकाउंट भी शुरू कर दिया था। तो कल से हम ट्रेडिंग अकाउंट भी पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज बस एक रिवीजन लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी। अगर आप इसके टच में नहीं थे, तो अब आप आगे होंगे, फेमिलियर हो गए होंगे कि आगे किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में हम लोग इनको, इनकी हेल्प से हम वहाँ पे उनको भी फुलफिल करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।